नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x। तो जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी ना किसी एक को यू मानते हैं, किसी दूसरे को टर्म को हम लोग वी मानते हैं। तो वी उस टर्म को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आगे चल के हमको 0 मिल जाए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को वी माने, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कीजिएगा यहाँ 2x आएगा, फिर दूसरी बार कीजिएगा तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, और तीसरी बार डिफरेंशिएट करने पर टोटली हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टर्म बच गया वो तो ऑलरेडी पहले हमको यू मतलब हो ही रहेगा ही। तो यू को यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2x होगा। तो यू इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x पहले लिख लिया चूंकि हम लोग माने थे। अब यू एन निकालेंगे, जब इसका एन एथ ऑर्डर निकालेगा तो आप यहाँ पे देखिए 2 चूंकि मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकलेगा 2 के पावर n इंटू ई टू पावर 2x। अगर आप चाहें तो इसको रफ में जाकर के इसका एन एथ ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो आपको यही निकलेगा। फिर उसी तरह एन माइनस वन निकालेगा तो ई टू पावर 2x इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 आएगा। फिर उसी तरह यू यू एन माइनस टू निकालेगा तो ई टू पावर 2x इंटू 2 पे पावर n माइनस 2 ही आएगा। फिर उसी तरह यू एन माइनस थ्री निकालेगा तो ई टू पावर 2x इंटू 2 n माइनस 3 आएगा 2 पे पावर। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि यू और वी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, मतलब सिंप्लीफाई करते हुए उसको एन एथ ऑर्डर निकाल लिया, और वी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके 0 भी ला चुके हैं। तो अब डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, वाई एन निकालने का जो फॉर्मूला है, वाई एन इक्वल्स टू हम लोग चूंकि कितना टर्म तक गए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1, 2, 3 टर्म तक गए हैं, इसलिए 3 बार लेंगे वहाँ। तो फॉर्मूले में तो एन टर्म तक, एन टाइम्स तक है, क्योंकि एन टाइम्स अगर आप मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसको आपको एन टाइम्स तक ले जाना होगा तो यहाँ पर एन टाइम्स वाले फॉर्मूले मतलब उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 3 टाइम्स तक लेके गए हैं, तीसरी बार 0 बन गया, इसलिए यहाँ पर नॉर्मली 3 बार लिखेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, एन सी 0 इंटू यू एन इंटू वी प्लस एन सी 1 इंटू यू एन माइनस 1 इंटू वी 1 प्लस एन सी 2 इंटू यू एन माइनस 2 इंटू वी 2 प्लस एन सी 3 इंटू एन माफ कीजिएगा इंटू यू एन माइनस 3 इंटू वी 3। अब क्या करेंगे, तो जो जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो यू एन का वैल्यू क्या था दोस्तों, ई टू पावर 2 ई टू पावर 2 मतलब 2 पे पावर n इंटू टू पावर 2x था, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया। वी का वैल्यू वी हम लोग किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। उसी तरह एन सी 1 इसको वैसे का वैसे रहेंगे, यहाँ पर यू एन माइनस 1 कितना था दोस्तों, ई टू द पावर 2x इंटू 2 पे पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर ई टू द पावर 2x टू टू पे पावर एन माइनस 1 ये पुट कर दिया, वी 1 हमारा 2x था ये पुट कर दिया, ठीक है। उसी तरह यू एन माइनस 2 इंटू वी 2 क्या था दोस्तों हमारा, यू ई टू द पावर 2x इंटू 2 पे पावर n माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे पुट किया मैंने, इंटू 2 था क्योंकि वी 2 हमारा 2 ही था, प्लस थर्ड टर्म भी हम लोग जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था, मतलब यू एन माइनस 3 क्या था दोस्तों, ई टू द पावर 2x इंटू 2 n माइनस 3, तो यहाँ पे देखिए पुट कर दिया। और वी 3 हमारा क्या था दोस्तों, टोटली 0 आया था डिफरेंशिएट होने के बाद, तो यहाँ 0 लिख दिया। अब ये टर्म तो हमारा टोटली 0 हो जाएगा, इसलिए अगला स्टेप आप देखिए जो कि होगा, यहाँ एन सी का वैल्यू 1 होता है, ये 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर ये बाकी टर्म सेम टू सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब एन सी 1 इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ पर एन ऊपर आएगा डिवाइड बाई 1 आएगा, हमको पता हम लोग को पता भी है, इंटू बाकी सारा टर्म सेम टू सेम है। फिर यहाँ पर देखिए ठीक उसी तरह एन सी 2 को आप ब्रेक कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा मतलब एन सी 2 को उसको ब्रेक कीजिएगा तो एन इंटू एन माइनस 1 डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 आएगा क्योंकि 2 तक गए तो 2 से मतलब जहाँ तक आ जाएगा वहाँ तक जाएगा, 2 इंटू 1 एक कम जाएंगे। उसके बाद बाकी सारा टर्न वैसे के वैसे, लेकिन यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में भी था, इसलिए क्या किया 2 2 डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल कर दिया मैंने। थर्ड टर्म भी हमारे क्या एन सी 3 था, मतलब 3 टाइम्स तक गया था, इसलिए एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, बाकी सारा टर्म वैसे का वैसे ही। अब देखिए ये टर्म हमारा टोटली क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा 0 बन जाएगा, इसको अगले टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे देखिए वाई एन इक्वल टू पहला टर्म सेम टू सेम, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब यहाँ पे लिखे हुए तो मल्टीप्लाई होगा यही टर्म रह जाएगा। फिर दूसरा टर्म में क्या होगा दोस्तों, ठीक सेम वैसे का वैसे, यहाँ पर देखिए एन एन को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ एन होगा, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म बनेगा। और दूसरा देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं, 1 है, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ सारा टर्म न्यूमिनेटर वाला ही बचेगा। तो देखिए न्यूमिनेटर वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि ये रहा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट तीनों टर्म कौन कौन सा, ये पहला वाला, ये दूसरा टर्म, और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा टर्म, तीनों में देखिए ई टू द पावर 2x कॉमन आ रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से कॉमन मैंने ले लिया। उसके बाद जो अंदर टर्म बच गया वो आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू 2 पे पावर n प्लस 2nx इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 पे पावर n माइनस 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि आंसर से ऐसा टोटली मैच कर जाए, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू 2 पे पावर n वैसे का वैसे था, यहाँ पे मैंने क्या किया 2 पे पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी किया, मतलब 2 इंटू 2 पे पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 इंटू 2 पे पावर मतलब दोनों से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखिए सेम बेस होने पे पावर ऐड होते हैं, जब -2 + 2 कीजिएगा तो -2 + 2 दोनों कैंसिल होकर पावर 0 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 0 इसका मतलब क्या वैल्यू 1 आएगा, तो एनीथिंग पावर 0 हम लोग को 1 ही आता है वैल्यू,
मतलब फिर से यही टर्म बनेगा, वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस टर्म को। तो इसीलिए ऐसा लिखा क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए था, देखिए यहाँ पर देखिए 2n-2 था, तो हमको भी n-2 तीनों टर्म में लाना था जिसकी वजह से 2n-2 कॉमन निकाल सके। तो इसीलिए क्या किया दोस्तों, 2 × 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको कैंसिल करने के लिए 2 पॉजिटिव 2 इसको रखा। तो यहाँ पर देखिए सेम बेस होने पर पावर ऐड होगा, तो n-2 मतलब n में -2 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2n-2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ 4x² हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए 2n-1, तो यहाँ पर हमको लाना क्या था दोस्तों, 2n-2 लाना था पावर 2 पे पावर। यहाँ पर n-1 ऑलरेडी पहले से था 2 पे पावर, तो हमको सिर्फ यहाँ पर -1 रखना था × 2 पे पावर 1। तो 2 एनीथिंग पे पावर 1 उसका वैल्यू वही होता है, 2 ही हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 4nx हो जाएगा। उसके बाद फिर सेम बेस होने पे देखिए यहाँ पर टू सेम बेस होने पे पावर ऐड होता है, मतलब n-1 में -1 ऐड की जाए तो n-2 होगा जो कि यहाँ पर है। और ये टर्म सेम टू सेम टोटली यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए कि तीनों टर्म जो हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया और थर्ड टर्म हो गया, तीनों में देखिए 2n-2 हमारा कॉमन आ रहा, तो इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो इसलिए yn = e^2x पहले से कॉमन हम लोगों ने निकाल कर रखा था × 2n-2, इसको अभी कॉमन हम लोगों ने निकाला, तो अंदर क्या बच गया दोस्तों, 4x² + 4nx + n × n-1। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, मतलब ये रहा आंसर। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मैथ के सॉल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।